हेलो फ्रेंड्स, उर्वशीज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सूखी भाजी की रेसिपी, आलू की सूखी सब्जी, जिसके लिए मैंने 3 बॉइल्ड आलू लिए हैं और इसको काट लिया है स्क्वायर इस तरह से। और तेल चाहिए, कड़ी पत्ता, सेंधा नमक, जीरा, मूंगफली के दाने, हरा धनिया, हरी मिर्च और काजू और किशमिश, ये ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। सबसे पहले गैस ऑन करके हम 1.5 चम्मच तेल लेते हैं। तेल गर्म होते ही इसमें 1 से 1.5 चम्मच जीरा डालना है। जीरा डालने के बाद हम हरी मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच हरी मिर्च डालेंगे हम, ये आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हो। और मूंगफली के दाने, कड़ी पत्ता। तो मूंगफली के दाने ब्राउन होने तक हम इसके इस तरह से मिला लेंगे। और अब हम इसमें ये उबले हुए आलू डाल देते हैं। उबले हुए आलू डालने के बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अगर आप उपवास का लिए रेडी नहीं करते हो तो आप नॉर्मल नमक ले सकते हो, अदरवाइज सेंधा नमक लेना है। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक या 2 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह से सिकने देंगे। ये आलू हमने ऑलरेडी बॉइल लिए हैं तो ज्यादा इसको कुक करने की जरूरत नहीं है। 5-10 मिनट के लिए इसको हम सेकेंगे और फाइनली हम डालेंगे इसमें किशमिश और काजू। हरा धनिया तो ये देखिए, ये अच्छी तरह से नमक और सारी चीजें मिक्स हो गई है। और अब हम इसको सर्विंग बाउल में ले लेंगे। तो ये सब्जी मैंने सर्विंग बाउल में ले ली है और इसको अब हम नीचे प्लेट रखते हुए इस तरह से हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे और ऊपर से काजू के साथ और थोड़ी सी किशमिश के साथ इस तरह से गार्निश करके सर्व करके दे सकते हो। तो ये देखिए, आलू की सूखी सब्जी रेडी है। आप ट्राई जरूर करना और कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।